हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर वॉइस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए माइक की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यह माइक एक बहुत ही सस्ता और एक बहुत ही छोटा माइक है जो मुझे फ्लिपकार्ट से 250 रुपये में मिला है। अगर आप में से किसी को यह माइक ख़रीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह माइक जो हमारे आसपास की जो एक्स्ट्रा नॉइस होती है उसको कैंसिल करके वीडियो के अंदर वॉइस की क्वालिटी को बढ़ा देता है, जिससे हमारी वीडियो और भी अच्छी बनती है। आइए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि यह माइक कैसा है और कि इसकी तार कितनी लंबी है। आइए दोस्तों, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि यह कैसा है। दोस्तों, ये हमें इस हार्ड बॉक्स के साथ मिला है। इसको रखने के लिए ये एक बॉक्स है इसका। ये हमारा एक छोटा सा माइक है। इसके अंदर इधर भी कोई लीड वगैरह रख सकते हैं और एक इधर ये स्लॉट है, ये जगह दे रखी है इसमें। ये इसका बॉक्स है, ये हमारा माइक है। दोस्तों, जो इसकी ये जो तार है, ये इतनी लंबी तार है, ये तार होगी इसकी लगभग 1 मीटर के आसपास ये तार होगी इसकी। और तार की क्वालिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, पर 250 रुपये के हिसाब से ठीक है ये क्वालिटी। दोस्तों, माइक लगाने से पहले और माइक लगाने के बाद में जो आवाज़ में जो फ़र्क आएगा उसको आप बिना लीड के उस फर्क को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए आप सभी लीड लगाकर यह वीडियो देखें। दोस्तों, अब हम माइक लगाकर चेक करने वाले हैं कि माइक लगाने से पहले और माइक लगाने के बाद में आवाज़ में क्या फ़र्क आता है। आइए अब हम माइक को लगाते हैं। माइक लगाने के लिए जो इसे क्लिक दे रखी है इसको हम पहले इधर लगाएंगे। ये हमारी क्लिक लग चुकी है। अब हम माइक आगे चेक करते हैं। दोस्तों, अब हमारा माइक लग चुका है। अब आप बताइए कि माइक लगने से पहले और माइक लगाने के बाद में अब वॉइस में जो फ़र्क, कितना फ़र्क आया है और इसने कुछ वॉइस चेंज की है या नहीं की है, तो आप सब मुझे कमेंट में बताइए। और आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।